नमस्कार दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1130 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है, क्या एज लिमिट है और कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। 31 अगस्त से 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनमें सबसे पहले पीटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसकी पे स्केल की अगर बात कर लें तो 21,700 से लेकर के 69,100 यहाँ पे लेवल 3 की ये जॉब होती है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा तो इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है www.cisf.gov.in या https://cisf.rect.cisf.gov.in इसमें से कोई भी डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाकर वहाँ पे लिंक से क्लिक करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैटेगरी में इसकी जो फीस है तो जनरल कैटेगरी की 1,000 रुपये है, एससी एसटी को और एक्स सर्विसमैन को कोई भी यहाँ पे फीस नहीं देनी है। यहाँ पे इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th या इस इक्विवेलेंट एग्जाम यहाँ पे पास होना जरूरी है और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और सितंबर 30, 2024 की एलिजिबिलिटी है, यानी सितंबर 30, 2024 तक वो 12th पास हो जाए साइंस से, साइंस स्ट्रीम से। और अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है, जिसकी काउंटिंग होगी सितंबर 30, 2024 को। और अगर ये बॉर्न हो रहा है कोई व्यक्ति अक्टूबर 1, 2001 से सितंबर 30, 2006 तक तो उस क्राइटेरिया में लाई करेगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर लें तो एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथ ही में जो चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम्स हैं, जो 1984 का जो रिवर्स हुआ था और 2002 के जो गुजरात दंगा हुआ था उसमें, या जनरल ईडब्ल्यूएस के 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 8 साल और एससी एसटी का 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी में भी आते, 1984 का जो सिख का दंगा हुआ था और ये 2002 का जो गुजरात का दंगा हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा उसकी, तो सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिक्योरिटी कोड, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। उसके बाद रिसीव क्रेडेंशियल आफ्टर रजिस्टरिंग यूवी रिसीवर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद कंप्लीट अप्लीकेशन जो है फिल आउट अप्लीकेशन करेंगे, अपलोड करेंगे, इसमें फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इसका कैसे अप्लाई करना उसका प्रोसीजर था। कहाँ पे कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो पूरे स्टेट में अगर जनरल की बात करें तो 11, ईडब्ल्यूएस की 3 और एससी की 4, एसटी की 2 और ओबीसी की 7, टोटल 27 वैकेंसीज हैं। और आंध्र प्रदेश में नक्सल एरिया की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जनरल की 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी और ओबीसी की 1 वैकेंसी और टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है। ऐसे आपको हर एक प्रदेश में मिल जाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, असम में देखने को मिलेंगी, बिहार में देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। जहाँ पे नक्सलाइट का अलग से एरिया है तो वहाँ पे नक्सल वाली भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी जनरल की। इस तरीके से आपको सारी वैकेंसीज हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जैसे नक्सल एरिया की भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे दिल्ली में,
दिल्ली की, गोवा की, गुजरात की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, आप सारी वैकेंसी देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना रिलेटेड यहाँ पे क्राइटेरिया या कैटेगरी से देख सकते हैं। झारखंड की बात करें, झारखंड में नक्सलाइट भी हैं। कर्नाटका की बात कर लें, केरला की बात करें, केरला में भी नक्सलाइट है। लद्दाख, मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश में भी नक्सलाइट है। महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पुडुचेरी है, सभी में आपकी वैकेंसीज है। पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट एरिया टोटल अगर बात करें जनरल में 466, और यहाँ पे सब अगर सारी वैकेंसी जोड़ लेने तो 1130 टोटल वैकेंसीज हैं। आप सभी लोग इसका फॉर्म भर दीजिएगा और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप यहाँ पे जॉब सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छे लेवल की हो चुकी है। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, PDF वगैरह, और आपके डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे फ्री भी अवेलेबल हैं, पेड भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके अपने कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्वेरी है आपकी तो आप एकेडमी के नंबर 8577877818 पर कॉल कर सकते हैं। 8577877818 पर कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।